नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 28 मार्च 2020 और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नेशनल करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। डेली मॉर्निंग उठकर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमने छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण तथ्य में आज कौन सा टॉपिक लिया है। आज का हमारा टॉपिक है तिमोर पिंगला अभयारण्य। कौन से जिले में है ये? जो है सूरजपुर जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1978 में इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल की बात करें तो 608 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाई जाती है और यह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है, तिमोर पिंगला अभयारण्य। तो याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। इसका आंसर होगा तिमोर पिंगला अभयारण्य। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉकडाउन की अवधि के दौरान पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए कौन अपने सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों को मुफ्त डाउनलोड प्रदान कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल बुक ट्रस्ट। आप इस साइट पर जाकर मुफ्त में काफ़ी फेमस पुस्तकें जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, जाइए बुक डाउनलोड करिए और ई बुक आराम से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देश में कोविड 19 के मामले में वृद्धि के बाद लोगों पर टैग लगाने के लिए अमित शाही के उपयोग की अनुमति दे दी है? तो आप सभी को पता है अमित शाही का है, तो ये किससे संबंधित है? ये चुनाव आयोग से संबंधित है। इसकी उपयोग की अनुमति जो है चुनाव आयोग ने दी है। अब जो कोविड जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है उनमें एक टैग लगा दिया जाएगा जिससे वो छुपा नहीं पाएंगे और मतलब रहेगा उनके हाथ पे वो टैग रहेगा जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि ये जो है अभी क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं। तो याद रखेंगे अमित शाही का उपयोग जो है कोविड 19 के लोगों के लिए किया जा रहा है, उपचार के लिए नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पहचान के लिए किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है समीर अग्रवाल को। तो याद रखेंगे वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ के रूप में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है समीर अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस दवा के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसके निर्यात पे इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के जो है मरीज जो है हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और उसके उपचार में इस दवाई का उपयोग हो सकता है, इसलिए जो है देश में इसकी कमी ना पड़े इसके इस वजह से इसके निर्यात पर जो है अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपट्टनम जिले में विभाजन के बाद किस राज्य में एक नया जिले बनाया जा रहा है? ये किस जिले में है, ये किस राज्य में है इसकी बात करें तो ये जो है तमिलनाडु का है। आपको बस ये नाम ध्यान रखना है और ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में का है जिसको विभाजन करके एक नया जिला बनाया जा रहा है। आपको इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हम जब छत्तीसगढ़ का पढ़ते हैं तो हम जब गोरेला पेंड्रा मरवाही की बात करते हैं उसी तरह से एक तमिलनाडु में एक अलग जिला बनने जा रहा है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु जो है वहाँ बन रहा है। आपको ज़्यादा डिटेलिंग इस क्वेश्चन की देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदर स्टेट का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री के अंडर संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? देखिए याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नागानंद जो है क्या है, ये संस्कृत नाटक। आपको एग्जाम यही पूछ सकता है कौन से भाषा का नाटक है, तो यह संस्कृत नाटक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। ये देखिए हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, देखिए हम प्रियदर्शी की बात नहीं कर रहे, नाटक का नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों जो है हर्षवर्धन की रचना है। तो ध्यान रखेंगे तीनों को आप नाम फिर से बोल रहा हूँ, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। और नागानंद जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए नागानंद से आप वैसे भी पता लगा सकते हैं, इसमें जैन और बौद्ध में कन्फ्यूज मत होइएगा। नागानंद जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो जब भी सांची के स्तूप की बात आए तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
यहाँ स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप जो है महास्तूप के नाम से जाना जाता है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसने बनवाया है, तो याद रखेंगे सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर की जब भी बात आए तो आपको नाम याद रखना है नरसिंह देव प्रथम। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये कोणार्क का। देखिए पूरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। यह मंदिर जो है 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ पर पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उसे 7